हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम BMCC का एंट्रेंस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन किस तरह से फिलअप करना है ये देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर BMCC के जो एडमिशन प्रोसेस है 2022 के लिए आपकी इंट्रेंस बेस पे होने वाली है, मतलब इंट्रेंस एग्ज़ाम आपकी होंगी उसके बेसिस पे आपके एडमिशन होंगे। 60% वेटेज जो है वो इंट्रेंस एग्ज़ाम को दिया जाएगा, 20% आपके 12th के परसेंटेज को, और जो है तो 20% वेटेज है आपके 10th के मार्क्स को। ओके, इस तरह से यहाँ पर आपका एडमिशन होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यूज़र नेम डालना है, मतलब यहाँ पर ये वेबसाइट है, वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है BMCC कॉलेज के बारे में, तो वो भी आप वीडियो चेक कर सकते हैं ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ पर यूज़र नेम आपको जनरेट करना है, यूनिक यूज़र नेम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना है, सेम पासवर्ड यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालने के बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको सक्सेसफुली रजिस्टर का मैसेज आ जाएगा। या फिर यूज़र नेम ऑलरेडी यहाँ पर लिया हुआ है किसी स्टूडेंट ने, तो आपको नया यूज़र नेम टाइप कर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर गो टू लॉगिन सेक्शन के ऊपर हमें क्लिक करना है, तो फिर यहाँ पर अपना जो यूज़र नेम है वो डाल दीजिए और पासवर्ड डाल दीजिए और लॉगिन कर दीजिए। जैसे ही लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो है तो अपनी नोटिस देखने को मिलेंगी किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ये नोटिस आप चाहे तो रीड भी कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी फॉर्म फिलअप करने में। ओके, तो कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ नोटिस दी गई है, अगर आप स्पोर्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम स्टेट लेवल होना चाहिए, तो ही आप स्पोर्ट कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ आप स्पोर्ट कैटेगरी मत सेलेक्ट कीजिए। सेकंड, यहाँ पर जो स्टूडेंट के पेरेंट्स डिफेंस में हैं, तो डिफेंस में है या थे, तो यहाँ पर EX सर्विसमैन और एक्टिव सर्विसमैन सेलेक्ट कर सकते हैं आप सोशल रिजर्वेशन टैब के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आउटसाइड महाराष्ट्र एडमिशन जो टाइप है उनके लिए जो है तो दो कंडीशन में आप आउटसाइड महाराष्ट्र सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है महाराष्ट्र का, या फिर आपने 10th महाराष्ट्र के बाहर से पास आउट किया है, अगर इनमें से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है लेकिन आपने 12th महाराष्ट्र से ही कम्प्लीट किया है, तो आप महाराष्ट्र सेलेक्ट कीजिए कैंडिडेट टाइप में। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले फ़िलअप करना है, लास्ट नेम यानी सर नेम, फर्स्ट नेम में आपका नाम और मिडल नेम में आपके फादर्स का नाम। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप फिल कर देंगे। ओके, यहाँ पर कैटेगरी टाइप में जो भी है आपकी ओपन, EWS जो भी है, सब कास्ट यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पेरेंट्स का फुल फादर नेम, मदर नेम और गार्डियन नेम आपके दाल, गार्डियन मोबाइल नंबर, सॉरी गार्डियन का कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहां पर डालना है। उसके बाद यहां पर नीचे आएंगे तो आपको यहां पर अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर, यहां पर अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है, मतलब फिज़िकली डिसेबल या कुछ है, तो यहां पर टिक कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। ओके, स्पोर्ट कोटा के अंदर यहां पर जैसे कि मैंने बताया है आपको, स्पोर्ट कोटा अगर आप स्टेट लेवल मिनिमम है तो ही सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पर चेक मत कीजिए। ओके, उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, 12th का आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर भी आपको जो यहाँ पर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए वो सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आधार नंबर, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पर सोशल सर्विस का जो है तो जिनके पेरेंट्स EX सर्विसमैन या सर्विसमैन है, मतलब डिफेंस फोर्सेस में, तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस डालना है आपको, अगर परमानेंट एड्रेस और करस्पोंडेंस एड्रेस जो है वो सेम है तो बस यहाँ पर आपको चेक कर देना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा, अदरवाइज़ अलग अलग है तो डिफरेंट आपको टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको 10th के डिटेल्स पहले ऐड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जब एग्ज़ाम लेवल के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 10th सेलेक्ट करना है, एग्ज़ामिनेशन नेम में SSC अगर 10th कर रहे हैं तो आप, उसके बाद यहाँ पर बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यहाँ पर मैंने महाराष्ट्र बोर्ड डाला है,
उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर आपको डालना है। बस आपको अभी 10th का ही यहाँ पर डालना है, क्योंकि अभी 12th का रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है, इसलिए बस 10th का ही डाल दीजिए आप और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अगर 12th का रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर के अंदर यहाँ पर फ़ोटो की साइज़ जो है आपके 500 KB से कम होना चाहिए, और यहाँ पर जो सिग्नेचर है आपकी वाइट पेपर पर और उसकी साइज़ 300 KB से कम होना चाहिए। ओके, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो स्टूडेंट का, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर हम एक से ज़्यादा कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल एक से ज़्यादा कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा पे करना पड़ेगी अगर आप एक से ज़्यादा कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो। ओके, तो यहाँ पर कोई भी आप 2 या 3 या 4 या 5 मैक्सिमम कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जैसे कि मैंने बीकॉम बीबीए दोनों ही सेलेक्ट किया है, आप भी इसी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है तो प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे, उससे पहले पेमेंट करना है तो कर सकते हैं या फिर बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है तो अनचेक इज़ अपीयर्ड, मतलब यहाँ पर आपको अनचेक करना है, मतलब जब भी आपका स्टैंडर्ड रिज़ल्ट डिटेल, मतलब यहाँ पर आपको अनचेक करना है अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो। अगर रिज़ल्ट आ गया है तो यहाँ पर चेक कर दीजिए, और उसके बाद जो है तो यहाँ पर जो नोटिस दी गई है वो देखिए। इफ़ यू चेक इज़ अपीयर, फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलोड, मेक योर एप्लीकेशन पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन फीस, वंस द रिज़ल्ट फॉर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम इज डिक्लेयर्ड अनचेक द बॉक्स एंड इंटर स्कोर मार्क्स, अपलोड द डॉक्यूमेंट फॉर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एज पर एप्लीकेबल। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी ये जो है तो चेक कर देना है आपको यहाँ पर राइट, जैसा ही आप क्लिक कर देंगे राइट टिक आ जाएगा आपका, ऑटोमेटिकली ये जो है डिटेल्स आपको विदाउट फिलिंग आप सेव एंड नेक्स्ट कर पाएंगे। फिर जब भी आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसे यहाँ पर अनचेक कर देना है और आपको ये डिटेल्स फिल करना है और सेव करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है ये यहाँ पर, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, मैंने EWS सेलेक्ट किया है इसीलिए मुझे लग रहा है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने जनरल कैटेगरी सेलेक्ट की है तो आपको नहीं लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, उसके बाद जो है तो यहाँ पर 10th का मार्कशीट कंपलसरी है फ्रेंड्स, ये दो डॉक्यूमेंट्स मेरे लिए कंपलसरी है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए भी 10th का मार्कशीट कंपलसरी रहेगा अपलोड करने के लिए स्कैन कॉपी। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है तो पेमेंट करना है 300 रुपीज़ की, उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट, ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स।